स्टूडेंट आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दीपशेष मौर्या और मैं हूं दीपशेष मौर्या। स्टूडेंट आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम क्या से पढ़ेंगे आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस का पार्ट होगा वो निगेटिव पार्ट है। निगेटिव पार्ट आप लोग आज सीख लेंगे, ठीक है। क्या होता है आज जान लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए। बहुत लोग कह रहे हैं सर वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी बनाइए, बिल्कुल जल्दी जल्दी बनाएंगे और आप लोग जल्दी जल्दी सीखते चलिए और इत्मीनान से समझ के सीखिए। रटने वाली चीज नहीं है टेंस, जितने अच्छे से आप सीखेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको हम टेंस सिखाते हैं। देखिए स्टूडेंट आज का पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका क्या है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव से बात पता चल रही है जिसमें बातों को नकारा जाए, जो बातें एक्सेप्ट ना की जाए, ठीक है। जो बातें मतलब हम आपसे करेंगे उसमें क्या करेंगे, बातों को एक्सेप्ट नहीं करते, बातों को क्या करते हैं नकारते हैं। मतलब कही गई बात में कहीं ना कहीं नकारा जाता है, बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ठीक। तो इसके बाद आगे बढ़िए आप। इसकी पहचान होती है इस टेंस की क्यों, कब, कैसे, किन्हें, कहां, ये वाक्य के बीच में आएगा, ठीक है। ये इतने वर्ड वाक्य के बीच में कहीं ना कहीं आते हैं, ठीक। तो इनको आप ध्यान से समझ लेंगे, ये कहीं आएंगे तो आप जान जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। प्लस उसमें क्या आएगा, नहीं, क्या आएगा, नहीं, नहीं आएगा। नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, नॉट होती है। आप इसकी अंग्रेजी लिखते समय उसमें नॉट लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद आप फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला क्या होता है, इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है, ट्रांसलेशन किया जाता है। तो इसमें कुछ डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड्स क्या होते हैं, जिसमें क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड्स मतलब जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। जैसे क्या है, व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, व्हाई है, हाउ है, हुम है, ठीक। इसमें से कोई भी वर्ड आ सकता है और भी वर्ड आ सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बार बार पूछी जाती हैं, तो इसलिए ये वर्ड आप ध्यान से समझिए, ठीक। इसके बाद प्लस क्या लगेगा, डू या डज। डू या डज आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। इसके बाद आपका लगेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हम सब्जेक्ट को ऐड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका लगेगा नॉट, नॉट हर वक्त में लगेगा क्योंकि आप नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब यही होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, जो वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म। और लास्ट में स्टूडेंट क्या आप लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाइएगा ट्रांसलेशन करते समय, नहीं तो आपका वाक्य गलत माना जाता है, ठीक है। इन सब बातों को ध्यान में रखिए। अब इसके बाद आप देखिएगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है हमने आपको बताया ना, ध्यान से देखिए। पहला एग्जाम्पल है मोहन क्यों नहीं पढ़ता है, मोहन क्यों नहीं पढ़ता है। अब मोहन यहाँ अकेले है, ठीक, दो तो है नहीं, मोहन अकेले है, तो ध्यान से देखो मोहन है। अब इसमें अंग्रेजी आई है, देखिए वाक्य के बीच में क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाई, वाई, वाई के बाद क्या लगाएंगे हम, डज। सर जी डज क्यों लगाएंगे, डज इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ मोहन आया है, मोहन अकेले है और नाम है, नाम के साथ आप जानते हैं क्या लगता है, डज लगता है, डज लगा दिया। इसके बाद हमने मोहन की अंग्रेजी लिख दी। और एक चीज आपको और हम बता दें इसके साथ कि किसी का नाम जब आए वाक्य में, ठीक, उसके अक्षर का कैपिटल, पहला वर्ड कैपिटल, चाहे पहले आए या बीच में आए, कैपिटल लिखते हैं ये लोग, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या लगाएंगे, नॉट, नॉट लगाएंगे, ठीक, नहीं आया है तो क्या लगाएंगे, नॉट। इसके बाद आप लिख देंगे वर्ब पढ़ता है, पढ़ता है उसकी फर्स्ट फॉर्म वर्ब की क्या हो जाएगी, रीड। और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके आगे का हम अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, तुम कब नहीं जानते हो, तुम कब नहीं जानते हो, ये हो जाएगा when, कब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, when। अब यहाँ देखो do लगा है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो सर do और डच कब लगेगा, ध्यान से समझो, do यहाँ इसलिए लगा क्योंकि you आया है, you क्या है, सेकेंड पर्सन है, ठीक, you है इसलिए क्या लग गया, do। अब यहाँ नहीं की अंग्रेजी क्या लगेगी, not, और जानने की अंग्रेजी no, तो हो जाएगा when, do, you, not, no, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अगला आपका है एग्जाम्पल, भगवान कहाँ नहीं रहते हैं,
ठीक, ये ट्रांसलेशन है, ठीक, भगवान कहाँ नहीं रहते हैं, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वेयर डज गॉड नॉट लिव। अब देखो यहाँ भगवान आए हैं, तो भगवान का नाम जब लिखेंगे तो उनके पहला अक्षर जो लिखते हैं कैपिटल जी, गॉड मतलब भगवान या ईश्वर या अल्लाह, ठीक, जो भी होते हैं सभी ईश्वर के लिए, सभी जात में क्या यूज होता है, सभी भगवान को लिखते हैं गॉड से, ठीक है स्टूडेंट, तो जी इसका कैपिटल हो जाए, ठीक, कोई डाउट होना नहीं चाहिए, आगे बढ़िए। आप किन्हें पसंद नहीं करते, बहुत लोग आपसे पूछते हैं आप किन्हें नहीं पसंद करते, तो वही आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं, जहां पे आपकी एक अलग छवि हो जाएगी लोगों में कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं, आप इंग्लिश धीरे धीरे सीख रहे हैं, टेंस सीख रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा होम डू यू नॉट लाइक, किन्हें की इंग्लिश क्या होती है होम, तो हम होम लिख दिए, अब यहाँ यू आया तो यू के साथ क्या लगेगा, डू, डू लिख दिया गया, उसके बाद यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद पसंद करना लाइक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, होम डू यू नॉट लाइक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, एक एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक, तो आपका वाक्य है वे क्यों नहीं खेलते हैं, वे क्यों नहीं खेलते हैं, इस वाक्य को आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट में इसका ट्रांसलेशन करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक से मिलेंगे, अब इस आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।